हेलो एंड वेलकम टू edUncle.com। दिस इज जगत चौधरी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 8 इयर्स। आईटीजीएम बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज में आज हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं अपने पार्ट 9 जो है। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीजें करने वाले हैं। बेसिकली हम आज जो है डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले तो एक क्विक रिवीजन दूंगा कि आप उन चीजों को देखें कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने चाहिए। साथ के साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको इसी सेशन में करवाने वाला हूं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं। आप उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए और देखिए आप नए से कितने कर पाते हैं, राइट। चलिए तो आज के टॉपिक के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा टॉपिक है ना कि डिफरेंशियल कैलकुलस, जो मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें हम लोग आज क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन के जो मेथड्स हैं, यानी कि आपके लिए लिख देता हूं मैं इसको, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चंस करेंगे। और साथ के साथ हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहां पर ये यूज होता है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है इट से ओवरऑल। हो सकता है आपका वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से आए या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आए, तो बेसिकली आप एक क्वेश्चन मान करके चले कि इसमें से आता है आपका, और वो 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। बहुत ईजी भी हो सकता है, शायद आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के लिए दे दें तो आप कहेंगे कि ठीक है आपको मीडियम लेवल मिल सकता है, लेकिन अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें एप्लीकेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए मैं कहूंगा कि ठीक है थोड़ा सा आप हाई लेवल मान सकते हैं। तो मीडियम टू हाई लेवल इसका रहने वाला है डिफिकल्टी की बात की जाए तो। चलिए पहले क्विक रिवीजन देखते हैं मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन टॉपिक के बारे में। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। जब आप लिखते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, आप जब ऐसा लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है आप डेरिवेटिव कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसे हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ, रेट ऑफ चेंज कहते हैं आप उसे, ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि वाई कैसे चेंज होगा जब आपका एक्स मैं चेंज कर रहा हूं। बेसिक रूल्स की अगर बात की जाए तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन आपस में प्लस या माइनस से अलग हो रहे हैं, तो मान लीजिए यू वी और डब्ल्यू, मैंने तीन फंक्शंस ले लिए, यू प्लस वी माइनस डब्ल्यू हुआ पड़ा और आप उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन का साइन सभी के पास अलग अलग चला जाता है। तो यू का डेरिवेटिव अलग से, प्लस लगा हुआ था तो प्लस लगाएं, वी का डेरिवेटिव अलग से, फिर माइनस लगा हुआ था तो माइनस लगाएं, डब्ल्यू का डेरिवेटिव अलग से, राइट। साथ के साथ अगर मान लीजिए इसमें से किसी के साथ कोई स्केलर मल्टीपल होता, राइट, डी ओवर डी एक्स ऑफ मान लीजिए के टाइम्स आपका कोई फंक्शन एफ एक्स होता, के कांस्टेंट है, तो क्या होता है कांस्टेंट चीज जो है वो डिफरेंशिएशन के साइन के बाहर आ जाती है और आपका डिफरेंशिएशन केवल और केवल उस एफ एक्स का होता है, राइट। उसके आगे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है इसमें, अगर आपके पास कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, आप जानते हैं यू इंटू वी, वो क्या कहता है कि किसी एक को वैसा ही लिखिए दूसरे वाले का डेरिवेटिव, यू सेम वी का डेरिवेटिव, फिर एक प्लस साइन लगाइए, अब की बार दूसरे वाले को सेम लिखिए और जो पहला वाला था उसका डेरिवेटिव। ये होता है दो में हो, तीन में हो, चाहे 50 में हो, जितने में भी आप से लगवाएं आप ये प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। उसके बाद एक होता है हमारे पास कोशेंट रूल, यानी कि डिवीजन रूल, यू अपॉन वी फॉर्म में हो तो, है ना, तो उसके लिए क्या आप लोग लगाते हैं नीचे वाला पहले ऊपर, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, एक माइनस साइन, अब ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव, वी का डेरिवेटिव, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर, राइट। तो ये कुछ बेसिक रूल थे। और दो रूल और होते हैं आपके पास, अगर आप किसी एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या होता है एन आगे एक पावर कम, एन एक्स की पावर एन माइनस वन करके। और अगर आपके पास मान लीजिए डिफरेंशिएशन आप करते हैं एन टू दी पावर एक्स का नंबर की पावर में फंक्शन का, तो क्या होता है एक बार सेम लिखा लॉग उस नंबर का और डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का, इस केस में वो वन है, इसीलिए e की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एक्स ही होता है। इस पर चलिए जी थोड़ी और चर्चा करते हैं मेथड्स की। तो आपको कैसी कैसी फॉर्म में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म हो सकती है, पैरामेट्रिक मतलब एक पैरामीटर के फॉर्म में आपको दिया होता है, आपके एक्स की वैल्यू भी कुछ मान लीजिए फाई ऑफ टी, टी का फंक्शन है एक्स, और सिमिलरली वाई टी का कोई और अनदर फंक्शन है, ऐसे
और आपसे बोला जाए भाई dy अपॉन dx निकालिए, तो आपको पता है ना कि आप पैरामेट्रिक में dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करते हैं, आप लोग dy अपॉन dt निकालते हैं, होल डिवाइड कर देते हैं dx अपॉन dt से, यानी कि दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, dx अपॉन dt और dy अपॉन dt दोनों को डिवाइड करके आप अपना dy अपॉन dx निकालते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। सही है भाई। फिर है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब घुली मिली टर्म्स, है ना। मान लीजिए आपका एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो टाइप से कुछ घुली मिली टर्म दे रखी हैं, एक्स भी वही वाई की टर्म्स भी वही, और ऐसे कुछ इक्वेशन में से आपको डिफरेंशिएशन करना है और डीवाई अपॉन डीएक्स निकालना है। तो डीवाई अपॉन डीएक्स की वैल्यू आप जानते हो, आपको शॉर्ट तरीके से पता है। एक तो तरीका हम पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वहां से डीवाई अपॉन डीएक्स के चीजों को इकट्ठा करें तब सॉल्व करें, उससे ज्यादा बेहतर है माइनस टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये सबसे बढ़िया है, ये आप लगाएं आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। फिर आता है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जब भी आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन की पावर में अनदर फंक्शन दिया हुआ है, fx की पावर में कोई gx वाली टर्म दी, तो आप क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको पता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप कब लगाते हैं, दो कारणों पर आप लगाएं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करने का ये जो काम है, या दो वजह से लगाएं। पहला, फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी है, और दूसरा जब बहुत सारे फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हो, एड सब्ट्रैक्ट नहीं कह रहा हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो ना चीजें, तब भी आप लॉग का मेथड जरूर लगाएं, आपको अच्छे से आंसर इजीली मिलेगा। फॉर एग्जांपल x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, करने को तो मैं आपको कहूं कि ये y की वैल्यू है तो इसको डिफरेंशिएट करो, आप अपना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करके लगाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर, लेकिन ये होगा कि आप लॉग ले लें, जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड हुई पड़ी हैं, राइट। अगला होता है जब इनफाइनाइट टर्म्स दे रखी हो, इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपको एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर कुछ दे रखा है, तो आप इनफाइनाइट में से क्या करते हैं, आप सिंगल यूनिट को सेम छोड़ करके बाकी को क्वेश्चन मान लेते हैं। चलिए जी कुछ क्वेश्चन देखते हैं जरा। Evaluate the derivative of x log x plus 1 minus x into log 1 minus x. देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, जो कि आपस में प्लस से अलग हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों के पास डिफरेंसिएशन का साइन अलग अलग दे दूंगा, राइट। यानी कि डिफरेंसिएशन ऑफ x log x, फिर प्लस साइन लगाया, और डिफरेंसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू लॉग 1 माइनस एक्स, ऐसा करके। अब दोनों तरफ तो दिख ही रहा है कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, ये अपने आप में प्रोडक्ट रूल, और यहां पर भी अपने आप में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो लगा दीजिए, देखो कैसे मिलेगा। आप x को सेम लिखें, log x का डेरिवेटिव वो होता है 1 अपॉन x, फिर एक प्लस साइन लगाइए। अब log x को सेम लिखिए, x का डेरिवेटिव 1, राइट, उसके बाद प्लस साइन लगाया, प्लस साइन लगाया। अब दूसरे वाले, ये वाला हो गया हमारा, अब इस वाले के लिए सेकंड पार्ट के लिए सेम वही काम यहां पर भी आप करेंगे। 1 माइनस एक्स को सेम लिखा, लॉग 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, माइनस 1 क्यों, क्योंकि 1 माइनस एक्स का भी करना होता है चेन रूल। फिर एक प्लस साइन लगाएं, इस बार आप लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स को सेम लिखें, और 1 माइनस एक्स ये वाले का डेरिवेटिव वो कितना होता है, माइनस वन होता है। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन लगा देते हैं जी, तो ये क्या मिल करके बनता है देखते हैं। यहां से आपके पास बन रहा है, ये हो गया आपके पास वन, बीच में है प्लस साइन, और ये चीज हो गई आपके पास माइनस वन, तो वन और माइनस वन तो आपस में कट जाएंगे, बच क्या गया, लॉग एक्स प्लस और माइनस ऑफ लॉग वन माइनस एक्स, यानी कि यहां से आपके पास ओवरऑल जो फाइनल चीज बचती है वो है लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स। अब तो लॉग की प्रॉपर्टी है ये, तो भाई ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है आपकी, क्या कि लॉग ए माइनस बी की वैल्यू, लॉग ए, लॉग ए माइनस लॉग बी की वैल्यू लॉग ए अपॉन बी होती है, तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, राइट। चलिए जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी ऑफ एक्स और यू एफ एक्स दोनों दिए हुए हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू जीरो, u of 0 की वैल्यू 5, u dash 0 की वैल्यू -3, v 0 की वैल्यू -1 और v dash 0 की वैल्यू 2,
तो बताओ ये वाली चीज की डिफरेंशिएशन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा। तो हमारे पास ये दिख नहीं रहा आपको कि दो चीजें पहले तो आपस में प्लस से अलग हो रही थी, है ना, फिर वो प्लस से अलग होने वाले आइटम्स में से एक आइटम जो है उसमें प्रोडक्ट रूल और दूसरे वाले आइटम में जो है आपका कोशेंट रूल लग रहा है। मैं लगा देता हूं, देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है डी ओ बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, फिर एक प्लस साइन है, डी ओ बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, यू अपॉन वी, ऐसा करके हमें एट एक्स इक्वल टू जीरो सभी की वैल्यू दी हुई है। चलिए जी पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट क्या कहता है, यू सेम वी का डेरिवेटिव, वी डैश लिख दू उसको, ध्यान रखिएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ यू को हमने यू प्राइम या यू डैश कह लीजिए, एंड आपका जो डी वी अपॉन डी एक्स है उसे हम लोग वी प्राइम या वी डैश कह लीजिए बोलेंगे। चलिए तो यू वी प्राइम दिख रहा है, यू वी प्राइम फिर प्लस साइन लगाया, अब की बार वी सेम यू का डेरिवेटिव, प्लस साइन लगाएं, अब सेकंड वाले के केस में भी डिवीजन रूल लगाएं, वो क्या होता है वी ऊपर यू का डेरिवेटिव फिर एक माइनस साइन, यू सेम वी का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर। अब आप बस वैल्यू पुट करते जाइए, आपके पास सॉल्यूशन हो चुका है। अब इसमें मुझे वैल्यूज पुट करनी है एट एक्स इक्वल टू, यहां पर अब मुझे एक्स की वैल्यू जीरो पुट करानी है, एक्स की वैल्यू मुझे इसमें जीरो पुट करानी है, जो कि आपको क्या देती है इसमें से ये हमें मिलता है देखिएगा u 0 यानी कि 5, v डैश 0, v डैश 0 मतलब 2, फिर लगा प्लस साइन, अब की बार v 0 कितना है माइनस 1, माइनस 1 इंटू यू डैश, इसमें से अगर हम u डैश देखेंगे तो u डैश एट 0 कितना है माइनस 3, ये रहा तो लिख दिया मैंने माइनस 3। अब इसमें से प्लस साइन लगाया और दूसरे वाले को लिखा v u डैश, सेम वही चीजें यहां पर दोबारा लिखते हैं ना, v u डैश, v आपको पता है v एट जीरो कितना है, v एट जीरो की वैल्यू है माइनस वन, और v एट जीरो गया माइनस वन, v डैश एट जीरो गया माइनस थ्री, ये लिख देते हैं इसे माइनस वन इंटू माइनस थ्री, माइनस साइन लगा करके अब की बार u को सेम लिखें, u आपका है ये हो गया 5 और v डैश आपका हो गया 2, ठीक, होल डिवाइडेड बाय v डैश स्क्वायर, अब v स्क्वायर, v ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है माइनस वन, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 1, तो डिनोमिनेटर में रहा 1। चलिए जी कैलकुलेट कर दें, 10 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 10 कितना हो गया 6, दिख गया 6, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इनफाइनाइट टर्म्स वाला जो मैंने आपको बताया था, इनफाइनाइट टर्म्स वाले में आप क्या करते हैं, देखो y इक्वल टू एक्स की पावर x की पावर x की पावर ऐसे सो ऑन बहुत सारे x की पावर दी, लेकिन आप क्या जानते हो, आपको ये पता है ये बात कि इसमें जब इनफाइनाइट टर्म दी हुई हो तो किसी एक सिंगल जहां से वो रिपीट हो रहा है यूनिट उसको सेम छोड़ दें, समंदर में से एक बूंद निकाल लेंगे तो भी समंदर ही तो रहता है, तो इसका मतलब है देखना जरा जब ये पूरे क्वेश्चन की ये पूरे के पूरे राइट हैंड साइड ये जो है इसकी वैल्यू है वाई, तो मैं इसमें से एक हिस्सा अगर हटा दूं अभी भी तो ये y है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे y इज इक्वल टू x टू द पावर y। अब याद करो फंक्शन की पावर फंक्शन में आप क्या करते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ले लीजिए log, कितना मिला log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर y, यहां से आगे मिला हमें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ये होगा log y इज इक्वल टू y बाहर आ जाता है ना log a की पावर m, m log a होता है, तो y टाइम्स log ऑफ x। अब आप अपना जो है डिफरेंशिएशन लगा दीजिए यहां पर राइट, इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए और आप dy / dx वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, आपके पास सॉल्यूशन मिल जाता है राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है इसका इंप्लिसिट फंक्शन से, मैं क्या करने वाला हूं log y माइनस y log x इज इक्वल टू जीरो लिखा मैंने इसे, घुली मिली टर्म है, मैंने बोला था जब भी इंप्लिसिट फंक्शन दिखे तो dy upon dx की वैल्यू कैसे निकलती है, वो होती है माइनस टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब उस चीज में x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करने पर x को फंक्शन माने बाकी सभी टर्म कॉन्स्टेंट, y हो z हो t हो सब कॉन्स्टेंट है। तो देखिए जी इसमें ये आपका ये वाला हिस्सा जो है ये fx है, f है f ऑफ xy कहते हैं इसे,
इसमें से एफ एक्स निकालना चाहता हूं, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहता हूं, तो कितना बनेगा भाई, लॉग वाई का तो हो गया जीरो, माइनस वाई सेम है, लॉग एक्स का हो गया वन अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स माइनस साइन के साथ, एफ ऑफ वाई यानी कि वाई के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कीजिए इसको, एक्स कॉन्स्टेंट है आपका, तो लॉग वाई का हो गया वन अपॉन वाई, माइनस वाई का हो गया वन, बचा लॉग एक्स, ये आपका आंसर है। तो कितना यहां पर पुट कर दीजिए, माइनस टाइम्स माइनस वाई बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय वन अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, कैलकुलेशंस कर दीजिए और आपके पास आंसर आपका आ चुका है। तो कितना बन जाएगा, ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स, ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने इसमें क्या लगाया है, इम्प्लिसिट फंक्शंस वाला तरीका, वो लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करके भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वल टू 361। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या करें, सभी टर्म इम्प्लिसिट फंक्शन है, सभी टर्म को एक तरफ ले लो, वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 361 इज इक्वल टू जीरो। इसमें से ये वाली चीज को आप क्या कहते हो, अपना एफ कहते हो, आपको चाहिए dy अपॉन dx। तो क्या करें, मैं देखिएगा डायरेक्टली मैं लिखना शुरू कर दूंगा, आप समझे जरा, न्यूमरेटर पार्ट में आपका आएगा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें इसे, y को कांस्टेंट मानते हुए, तो आपको मिलेगा 0 प्लस 2y प्लस 6x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे आप y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दीजिए x को कांस्टेंट मानते हुए, तो 2y प्लस 2x प्लस अब 0 है सब जगह, ये हो गया आपका। 2 कॉमन लेना चाहते हैं आप, 2 मंथ कॉमन लेकर के ऊपर से काट भी सकते हैं, माइनस साइन है उसे भी हटा सकते हैं, तो आपके पास ओवरऑल मिल रहा है 2 प्लस या 2 माइनस वाई माइनस 3x डिवाइडेड बाय, इसमें से 2 कॉमन लिया था तो मिलेगा वाई प्लस एक्स, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, तो आप इन तरीकों से भी जो है अपनी चीजों को कैलकुलेट करना सीखें और इम्प्लिसिट फंक्शंस को लगाना सीखें। अब इसको क्वेश्चन को जो है आप खुद से कर सकते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज लगाने हैं, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये मेरी तरफ से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के लिए, राइट। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको यहां पर याद भी होगा वैसे तो कि 1 प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये चीजें आप इसमें लगा देंगे और पट्टे से पुट करो और झट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी अब देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर बात की जाए तो टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी कि आपको मान लीजिए कोई कर्व दिया हुआ है, उस पर एक टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो एक जगह पर एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, और उस टच करके निकली हुई लाइन के जो परपेंडिकुलर एक लाइन होती है उसको आप नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो टेंजेंट को मैं टी इक्वल टू जीरो कह रहा हूं, ये हमारा ग्राफ था, ये वाला कर्व जो है वो हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है ना, ये हमारा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, मैंने टी इक्वल टू जीरो टेंजेंट ड्रॉ करी थी ये वाली, और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खुद से ड्रॉ करी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, एन इक्वल टू जीरो कह दिया मैंने उसे, राइट। टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है बस वो पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टी इक्वल टू जीरो का स्लोप क्या होता है, वो इज डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाले वो टेंजेंट का स्लोप होता है, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल लाइन का स्लोप कितना होता है भाई, वो जब उसके परपेंडिकुलर है तो माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यानी कि माइनस वन अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन आप निकालते हैं तो जानते हैं आप, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, एक लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और x1 y1 पॉइंट से वो पास कर रही है। मैक्सिमम मिनिमा कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन से, भाई क्या करो, कुछ फंक्शन दिया होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करो और जीरो के बराबर रख दो, ये जो जीरो के बराबर रखने पर यहां पर आपको x की कुछ वैल्यूज मिलती हैं x1 x2 so on, ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं, और आपके डबल डेरिवेटिव आपको बताता है कि आपको मैक्सिमम मिलेगा उस पॉइंट पर या मिनिमम मिलेगा,
अगर आपका डबल डेरिवेटिव मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, तो जिस पॉइंट पर भी आया x1 की वैल्यू के लिए, देन आपको मिनिमम मिलता है, उस पॉइंट पर आपको ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और अगर अगर आपका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तब आपको मैक्सिमा मिलता है, नेगेटिव पर मैक्सिमा और पॉजिटिव पर पॉइंट ऑफ पॉजिटिव पर पॉइंट ऑफ मिनिमम, है ना। जैसे कि ये ग्राफ बन जाएगा आपका, ये वाला आपका मैक्सिमा पॉइंट, ये वाला आपका मिनिमा, और एक लोकल लोकल और एब्सोल्यूट, आप इसमें फर्क समझें, ये सारे लोकल हैं, राइट। ग्राफ ऐसे बढ़ता तो लोकल है, और मान लीजिए ऐसे जा रहा होता तो ये सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये ग्लोबल है और बीच में ये लोकल है पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स लोकल है जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्या होता है, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल भी हो सकता है किसी एक जगह पर, कंटिन्यूअस में ना आ जाए बस, वो ये याद रखेंगे आप। डिक्रीजिंग है कोई फंक्शन तो एफ डैश एक्स उसका नेगेटिव आना चाहिए, डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहें आप उसे, तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन करा देता हूं मैं इन पर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इन माइनस 1 से लेकर के 2 तक। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका मैक्सिमा मिनिमा से भी हो जाना है, और अगर आप चाहें तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी हो जाना है। मैं दिखाता हूं आपको, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको अगर बतानी होती है तो आप क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो। तो आपने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स कितना आ रहा है 4x क्यूब माइनस 4x। मैंने कहा था एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखना, रख दो x कॉमन, 4x कॉमन, तो मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहां से आपको x की तीन वैल्यूज मिली, क्या जीरो आ गई और प्लस 1 और माइनस 1, जीरो 1 और माइनस 1, तीन वैल्यूज दिख गई, राइट। अब दिक्कत कहां आती है भाई, तीन तीन वैल्यूज के लिए चेक करना, मैं क्या करूंगा एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा, एफ डबल डैश एक्स, मुझे क्या बोला माइनस 1 से 2 तक के बीच में चाहिए वो वैल्यूज, ठीक है भाई मेरे माइनस 1 से 2 तक के बीच में आनी चाहिए, वो आ रही है सारी वैल्यूज, एफ डबल डैश एक्स निकाला मैंने, तो मेरे को एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करें, ये एफ डैश एक्स था, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें एक एक करके वैल्यूज पुट कीजिए, मान लो मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो वैल्यू कितनी बन रही है, वैल्यू एफ डबल डैश की वैल्यू आ रही है आपकी जीरो रखने पर माइनस 4। मान लीजिए आपने इसमें x की जगह 1 रखा, क्योंकि लोकल हो सकते हैं पॉइंट, x की जगह आपने 1 रखा तो 1 रख दीजिए इसमें, एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 12 माइनस 1 4 8 आ गई है ना, x की वैल्यू माइनस 1 रख दीजिए इसमें। दूसरा तरीका ज्यादा बेस्ट होगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको, x की वैल्यू कितनी माइनस 1 रख दीजिए, रख दो भाई इसमें, जैसे ही आप x की जगह माइनस 1 रखोगे कितना सेम आंसर मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, एफ डबल डैश आपकी वैल्यू दे रहा है फिर से वापस से 8। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था मिनिमम, और मिनिमम कब मिलता है, जब पॉजिटिव आता है, जब पॉजिटिव आता है आपका, तो इसमें से पॉजिटिव किस किस पर आ रहा है, वैसे तो आपका पॉजिटिव 1 और माइनस 1 पर आ रहा है क्योंकि वो सेम वैल्यू दे रहा है, ऊपर भी ऐसा ही होगा, ऊपर भी वो सेम वैल्यू देगा, लेकिन यहां पर मुझे एंड पॉइंट भी दिए हुए हैं माइनस 1 और 2, इन पर भी एक बार वैल्यू निकाली जाएगी, क्योंकि ग्राफ के एब्सोल्यूट वैल्यूज हो सकती हैं ये, मैं दिखाता हूं क्या कह रहा हूं मैं क्या करूंगा अब एफ ऑफ माइनस 1 निकालूंगा, या एक ही बात है वो एफ ऑफ 1 निकाल लूंगा, कितना आ रहा है, x की जगह 1 रख दीजिए क्वेश्चन में, वापस से क्वेश्चन में x की जगह 1 रख दीजिए या माइनस 1 रख दीजिए, आपको मिल रहा है 1 माइनस 2 प्लस 2, कितना आ गया 1 आ गया, नो प्रॉब्लम। अब आप एफ ऑफ 2 भी निकालें, आप एफ ऑफ 2 भी निकालें तो एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 2, 4, 8, 16, 16 माइनस 8 प्लस 2, कितना आ रहा है, या आपका आ गया 8 प्लस 2 10, तो भाई ये तो काम का नहीं है एफ ऑफ 2, यानी कि क्या काम का है, ये वाला काम का है, ये वाला आपके काम का है, मिनिमम वैल्यू 1 है, राइट। उन्होंने ये तो पूछा था कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू 1 है, यानी कि ये रही। आप यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको इससे ज्यादा छोटी वैल्यू कभी नहीं मिलने वाली, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, और किस पॉइंट पर है, x की वैल्यू 1 और माइनस 1 दोनों पर है, राइट। चलिए तो ये भी हमारा पोर्शन यहां पर इस चीज का होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व, नॉर्मल की इक्वेशन बताने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपको पता ही है कि y माइनस
y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अगर आपको स्लोप पता चल जाए, अगर आपको नॉर्मल का स्लोप पता चल जाए और आपको पॉइंट पता चल जाए, तो बात बन जाएगी, पॉइंट तो दे ही रखा है, x1 y1 तो ऑलरेडी दे रखा है ना भाई, 2, 1, तो पॉइंट दे दिया, x1 y1 दे दिए। अब बात आती है स्लोप की, m स्लोप कितना होगा, -1/dy/dx, यानी कि -1/slope of tangent line। टेंजेंट लाइन के स्लोप के लिए आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx निकालते हैं। तो आपको दिया हुआ है x²y³=4। यहां से मैं इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करता हूं। अब आप कोई भी मेथड लगाएं, वो आपकी मर्जी, इंप्लिसिट सिखाया था, लगाइए। dy/dx की वैल्यू आ जाएगी कितना, माइनस टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि 2xy³ - यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 3x²y²। तो भाई यहां से हमारे पास वैल्यू आती है, उड़ा दो जी, जोड़ रहा है 2/3 और ऊपर आ गया y/x विद नेगेटिव साइन। अब किस पॉइंट पर चाहिए आपको, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप चाहिए ना, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन के स्लोप के लिए x की जगह 2 रख दीजिए और y की जगह 1 रख दीजिए, तो वो देखते हैं कितना देता है हमें, -2/3 × 1/2, -1/3 दिख गया। अब -1/3 तो नॉर्मल लाइन का स्लोप है, आप टेंजेंट लाइन का स्लोप है, ये आपका टेंजेंट लाइन का स्लोप है, आपको क्या चाहिए, नॉर्मल लाइन का स्लोप, तो वो कितना मिलेगा, 3 हो गया, दिख गया, -1/3 का उल्टा करके माइनस लगा दिया तो आपके पास टेंजेंट नॉर्मल लाइन का स्लोप आ गया, राइट, +3। तो आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y-y1=m(x-x1), ये आपका आंसर है, जिसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो y-1=3x-6, राइट। तो ये आ गया आपके पास y=3x-5, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, खत्म। ओके जी, तो बड़ा सिंपल सा था, बट आपको स्लोप निकालना था और टेंजेंट लाइन के स्लोप का इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना था, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द कर्व हमें दे रखा है y=x⁴ - 4x³ + 4x² - 4 हैज टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इनमें से किस किस पॉइंट पर आपकी जो टेंजेंट लाइन आएगी वो पैरेलल होगी x एक्सिस के। भाई अगर कोई भी लाइन, राइट, कोई भी टेंजेंट लाइन हो या कोई भी लाइन हो, वो तो अगर आपकी कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल के होने के लिए उसका स्लोप कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, यानी कि m स्लोप जो होता है वो होता है आपका dy/dx, तो dy/dx को 0 होना पड़ेगा। तो आप क्या करें, आपको अगर ये निकालना है कि इनमें से किस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल आती है, राइट, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आती है, तो आपको dy/dx को 0 निकालना है, कहां होता है, तो क्या करेंगे आप, dy/dx निकाल दें यहां से, मैं दिखा देता हूं dy/dx को, तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें, dy/dx = ये हो गया हमारा 4x³ - 12x² + 8x², राइट, ये जीरो करना है और तीन वैल्यूज आपके पास आ गई, सिंपली दिख रहा है ना हमें, dy/dx को अगर मैंने जीरो कर दिया और इसमें से मैंने 4x कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास x²-3x+2=0 दिख गया, जहां से आपको x इंटू ये फैक्टराइज किया मैंने x-1 × x-2=0, यानी कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए, x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू जब 1 होगी और x की वैल्यू जब 2 होगी, तो उन पर आपको, समझ गया, x की वैल्यू 0, 1 और 2 पर आपको टेंजेंट लाइन जो होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस दिख जाएंगी। तो पहली बात तो x की वैल्यू जो इसमें से नहीं आ रही है वो एक्सक्लूड कर दो, देखो इसमें x की क्या क्या वैल्यू दे रहे हैं, ये -1, -2, 1 गलत हो गया, काट दो, ये क्या कह रहा है, 0, 2, 1, हाँ ये हो सकता है, अब लास्ट वाला क्या कहता है, 1, 1 और 2, नहीं ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें दो बार y की दो वैल्यूज मिलनी चाहिए, नहीं मिलेंगी, एक ही y की वैल्यू मिलेगी। अगला है 0, -2, 1, ये भी उड़ा दीजिए, तो साफ पता चल रहा है ना, x की वैल्यू 0, 2 और 1 यहां पर है, आप y की वैल्यूज भी सेटिस्फाई करके देख लें, जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां से y की वैल्यू 4 मिल रही है, -4 बिल्कुल मिल रही है, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। इसी तरह x की वैल्यू 2 पुट करिए, y की वैल्यू -4 फिर से दिख जाएगी आपको, x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, y की वैल्यू -3 दिख जाएगी आपको,
यानी कि ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी आपने रिजेक्ट मार दिए, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका भी, राइट। चलिए तो इस सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। और एड अंकल की वेबसाइट पर जाकर के आप स्टडी मटेरियल जो है देख सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, और यहाँ पर आपको इंडियाज नंबर वन ऑनलाइन कोचिंग मिलती है आईटी जेम, सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी इन द नेक्स्ट पार्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।